अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमआर न्यूज़ में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते चले मैं हूं मोहम्मद इब्रार। अब तक की ताज़ा तरीन हेडलाइंस। पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी और कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के दरमियान ट्विटर पर आमने सामने आ गए। ट्विटर पर दोस्त मोहम्मद मजारी ने कासिम सूरी को तनकीद का निशाना बनाते हुए ट्वीट की कि मैंने कासिम सूरी बनने से इनकार कर दिया। रावलपिंडी में सदर बैरूनी पुलिस ने कार्रवाई की है जिसके नतीजे में अपने ममानी से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार हो गया। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा खातून ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि बाबर ने मुझे मुतद बार ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर सदर बैरूनी पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम बाबर को गिरफ्तार कर लिया। एस एच ओ रावलपिंडी का कहना है कि मुतासरा खातून का मेडिकल फ्रांसिस करवाया जा रहा है। खवातीन से ज्यादती पर जीरो टॉलरेंस है जिससे हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। कराची में बढ़ते हुए जराइम से वाकयात के बाद पुलिस की हिकमत अमली में तब्दीली हो गई। तफसीलात के मुताबिक रवां साल के दौरान पुलिस मुकाबलों की तादाद में इजाफा हुआ। यौमिया पुलिस मुकाबलों में डाकों के मारे जाने और जख्मी हालत में गिरफ्तार होने की तादाद में इजाफा हो रहा है। कराची में 2022 जनवरी से अप्रैल के रवां माह के दौरान अब तक 247 पुलिस मुकाबले हो चुके हैं। कराची में पुलिस मुकाबलों के दौरान रवां साल 2022 में अब तक 27 सेक्ट्रेट क्रिमिनल्स और डकैत मारे जा चुके हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि इन कैमरा कार्रवाई में शहादतों का जायजा लें। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने ट्विटर पर जारी एक पैगाम में कहा कि जज साहबान के सामने वो मवाद होना चाहिए जिसकी बिना पर स्पीकर ने रूलिंग दी। अगर जज साहबान ने दस्तावेजात और शहादतें ही नहीं देखना तो वो रूलिंग के सही या गलत होने का फैसला कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि इन कैमरा कार्रवाई में शहादतों का जायजा लें वरना हमें आज़ादी का सफ़र 1947 से दोबारा शुरू करना होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद इब्रार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।